जिससे सनसनी मच गई। आखिर क्या है ये मदरसा प्लान जिसका कनेक्शन खाड़ी देशों और टेरर फंडिंग से जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए रिपोर्ट। 13,000 मदरसों पर एक्शन, अवैध मदरसों का खाड़ी कनेक्शन, खाड़ी देशों से आया पैसा, रिपोर्ट ने बढ़ाई सियासी टेंशन। उत्तर प्रदेश में अब अवैध मदरसों पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। ये तैयारी एसआईटी की रिपोर्ट जारी होने के बाद की जा रही है। इस रिपोर्ट में प्रदेश के मदरसों को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया गया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश भी की गई है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से मदरसों की जांच चल रही है और इसको लेकर के एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है और करीब उत्तर प्रदेश के 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश भी की है। ऐसा सूचना आ रही है कि मदरसों को बंद करने के लिए जो एसआईटी की टीम है उनकी तरफ से सिफारिश की गई है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह बताया जा रहा है कि ये जो मदरसे हैं इनमें टेरर फंडिंग की आशंकाएं हैं और जिसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर इन मदरसों के द्वारा इस फंड को इस्तेमाल किया जा रहा था। सरकार के निर्देश पर प्रदेश के अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इसमें करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के आधार पर अब मदरसा बोर्ड कार्रवाई करने की तैयारी में है। जांच में जिन मदरसों को अवैध पाया गया है उनमें से ज्यादातर नेपाल सीमा पर स्थित है। इनका निर्माण खाड़ी देशों से मिली रकम से बीते 2 दशकों में हुआ है। ऐसे में फिलहाल अब तक नेपाल से सटी हुई जो सीमाएं हैं वहां पर सबसे ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जिनको बंद करने के लिए ये सिफारिश की गई है। इसके साथ ही साथ तमाम अहम जो एविडेंस है वो भी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दाखिल किए हैं, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जल्द ही इन मदरसों पर चाबुक चल सकता है। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कई और चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं, जिसमें इन अवैध मदरसों का कनेक्शन टेरर फंडिंग से भी सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब जांच कर रही एसआईटी ने मदरसों से आय व्यय की जानकारी मांगी तो मदरसा संचालक जानकारी या संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। लिहाजा अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि खाड़ी देशों से जो रकम मदरसा निर्माण के लिए दी गई है वो टेरर फंडिंग के लिए जुटाए गए पैसे हैं, जिन्हें हवाला के जरिए मदरसा बनाने के लिए भेजा गया। एसआईटी का शक पक्का तब हो गया जब पूछताछ में मदरसा संचालकों ने मदरसा निर्माण की बात चंदे के जरिए मिले पैसों से होने की बात कही, लेकिन जब टीम ने चंदा देने वालों के नाम पूछे तो वो नाम नहीं बता सकी। और हैरान और परेशान करने वाली बात ये है कि जिन 13,000 मदरसों को बंद करने की अपील की गई है उसमें से ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों से सटे हैं, जिसमें महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच और सिद्धार्थनगर जैसे जिले शामिल हैं। वही रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है, जहां प्रदेश के डिप्टी सीएम का कहना है कि प्रदेश में कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे और रिपोर्ट के आधार पर मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट आई है, अभी मैंने तो उसे देखा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है, शिक्षा को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन शिक्षा के केंद्रों की आड़ में अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि है तो उसकी जांच होगी और जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारी फंडिंग आई है सर विदेशों से, कहा गया है। जैसा आप बता रहे हैं उसको मैं सुन भी रहा हूं। मैंने कहा जो गलत करेगा कानून उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एक तरफ सरकार अवैध मदरसों पर कार्रवाई की बात कह रही है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और मुस्लिम नेताओं ने इस पर एतराज जताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। ऐसी कंडीशन में एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये जरूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालमियत और एकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे को भी इसमें मुलव्वस पाया जाए या जो व्यक्तियां जो शख्सियात भी अगर इसमें मुलव्वस हैं तो उनका चेहरा ओपन करना चाहिए, मदरसे का नाम बताना चाहिए ताकि लोग जो है होशियार रहें और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए।
कि भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या है। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाब मदरसा फिल्में मदारे यूसीसी हलाल प्रोडक्ट इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है, इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है जिससे उसे किसान मजदूर नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है। बहरहाल मामले पर सियासत जारी है, लेकिन सियासत से इत्र बात करें तो मदरसों की रिपोर्ट वाकई चौंकाने वाली है। अब देखना ये होगा कि इन अवैध मदरसों पर कानून का हंटर कब तक चलता है। टीम न्यूज स्टेट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भारतीय